नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है काजू मठरी। ये देखिए, इस तरह हमारी काजू मठरी बिल्कुल टेस्टी और खस्ता बन के तैयार होता है। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कढ़ाई में हमने 1 kg मैदा ऐड किया है और इसमें 25 ग्राम हमने नमक ऐड किया, साथ ही हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो 15 ग्राम है और 1 चम्मच हमने अजवाइन वो भी 15 ग्राम है, इस तरह हमने मिक्स कर दिया है इस मैदे में और इस तरह जगह बना लिया है। इसमें हम पानी और घी ऐड करेंगे। तो यहाँ हम पानी ऐड करेंगे 450 ml, मतलब आधा लीटर से हमने थोड़ा सा कम ऐड किया है, और इसमें 250 ml हमने घी गर्म करके ऐड किया है। उसके बाद हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। और इस तरह हम बीच में मसाले को घोल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और मैदे का डो बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह हम मुलायम सा डो बना के तैयार करेंगे जो अच्छी तरह बेला जाए। ये देखिए, पानी हमने उतना ही ऐड किया है, ज़्यादा हम पानी नहीं दोबारा ऐड किए हैं। 450 ml इसमें पानी लग जाता है 1 kg मैदे में, और इसमें 250 ग्राम हमने घी ऐड किया है। और इस तरह एक पेड़ी बना लिया है और इसको हम बेलेंगे। ये बड़ी सी पेड़ी है, 1 kg मैदे की है, तो इसको हम बड़ा साइज में बेलेंगे। ये देखिए, जो फट्टा हमने लिया है वो बड़ा साइज का है, इस पर आराम से 1 kg मैदा बेला जाता है। तो ये देखिए, इस तरह हम बेलते जाएंगे। इसको थोड़ा मोटा ही रखना होता है, बिल्कुल पतला इसको नहीं करना है। हम आपको दिखाते हैं कितना पतला इसको रखना होता है। तो इस तरह हम, ये देखिए, धीरे धीरे इसको हम बेलते जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरह हम बेलते जाते हैं। काजू मठरी बनाने के लिए थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना पड़ता है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। जो मटर मठरी होती है उसको ज़्यादा पतला करना पड़ता है, इसको थोड़ा मोटा ही रखना पड़ता है। जिस तरह हम शक्करपारे जितने मोटे साइज़ के कट लेते हैं उतने तरह ये रखना पड़ता है। ये देखिए, ये इतना मोटा है, थोड़ा सा मोटा सीट है। इस तरह हम काजू मठरी कट के तैयार करेंगे। ये हमारा कुकिंग कटर है, तो इससे हम काजू मठरी बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, जो कुकिंग कटर है मैदे के ऊपर आधा से हम कम लगाते हैं, जो कुकिंग कटर के बीच में आधा से हम कम लगाते हैं और इसको उसे ही कट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल काजू के आकार का बन जाता है। ये देखिए, इस तरह का कुकिंग कटर बाज़ार में बर्तन वाली दुकानों पे मिल जाता है। इस मैदे के ऊपर हम आधे से कम लगाते हैं जिससे काजू का आकार बन जाता है। ये देखिए, इस तरह हम लगा लेते हैं मैदे के ऊपर और दबा देते हैं जिससे ये कट जाता है तुरंत, बिल्कुल काजू के जैसा ये बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, इसका आकार काजू जैसा बन जाता है। तो इस तरह हम काजू मठरी कट के तैयार करेंगे। ये देखिए, बस इस तरह हम काटते जाएंगे और हमारी काजू मठरी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह, ये देखिए, काजू मठरी हम कट के तैयार करते हैं। इस तरह हम कई किलो मैदे की भी बनाते हैं, लेकिन आज हमने रेसिपी सिर्फ 1 kg मैदे की बनाई है। तो इस तरह हम काजू मठरी बना के तैयार करेंगे। आप भी इस तरह अपने घर में या आपके पास शॉप हो तो इस तरह मठरी आप तैयार कर सकते हो, और इस तरह की मठरी बहुत खस्ता और टेस्टी बन के तैयार होगी। इस कुकिंग कटर से आप आसानी से काजू मठरी तैयार कर सकते हो। जो साइड का मैदा बच जाता है इसको हम दोबारा बेल लेते हैं और इस तरह की मठरी हम दोबारा कट कर देते हैं। तो जो हमने पहले काट के तैयार किया है इसको ट्रे में डाल देते हैं, उसके बाद में जो साइड का मैदा बच जाता है उसको हम दोबारा कट के तैयार करेंगे। ये देखिए, इसको हमने ट्रे में रख दिया, ये साइड वाला जो मैदा है ये हम दोबारा बेल देते हैं। जो साइड में मैदा बच जाता है काटने से इसको हम दोबारा कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरह हम काजू मठरी कटते जाते हैं। ये देखिए, इस कुकिंग कटर को हम बीच में लगाते हैं मैदे के, लेकिन आधा से ज़्यादा ना लगे, आधा से कम ही लगे, तभी हमारी काजू की आकार बनती है। अब यहाँ हमारा काजू मठरी कट के तैयार हो गया है। हमने आयल गर्म होने के लिए रख दिया था, जब ये हल्का सा गर्म हो जाता है तब इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। ये देखिए, जब आयल बिल्कुल कम गर्म होता है तभी डाल देते हैं, ये धीरे धीरे फूल के ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए, सारा कढ़ाई में ऊपर आ गया। अब हम गैस का फ्लेम तेज़ कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ हम तेज़ कर दिया, जब ये सेंका लगता है तो अच्छी तरह ये फूलता जाता है और इस तरह ये फूल फूल के बिल्कुल खस्ता मठरी बन के तैयार होता है। बस ये ध्यान रहे कि जब आपका आयल बिल्कुल कम गर्म हो तभी इसको ऐड करना पड़ता है, तभी अच्छी तरह फूल जाता है और पूरी खस्ता बन जाती है। अगर आप ज़्यादा सेक में ऐड करोगे तो इतनी खस्ता टेस्टी नहीं बनेगी। तो
तो यहाँ बिल्कुल कम आयल गरम हो तभी ऐड कर दीजिए, उसके बाद में ये फूल फूल के ऊपर आ जाता है और इस तरह ये फ्राई होता रहता है। जब ये फूल के ऊपर आ जाए तो सेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इस तरह फ्राई करते रहिए, और इसको मीडियम सेक पे दोबारा करके और देर तक फ्राई करिए। जैसे अच्छी तरह ये हमारा मठरी मैदा अच्छी तरह पक जाए, अच्छी तरह पूरी क्रिस्पी अंदर से जब पूरी जालियाँ पक जाती हैं तब ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाता है। तो इस तरह की काजू मठरी आप अपने घर में भी फ्राई कर सकते हो, बना सकते हो और बहुत टेस्टी बनती है। बस इसको मीडियम सेक पे 15-20 मिनट तक आप पकाइए, सेक ज़्यादा ना हो, आराम से धीरे धीरे जब ये पकता है तो अंदर पूरी ये क्रिस्पी बन जाती है। तो इस तरह आप काजू मठरी बना सकते हो। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाता है, 15-20 मिनट लगते हैं, और जब ये ब्राउन हो जाता है तब इसको हम निकाल देते हैं। सेक थोड़ा तेज़ रखना है जब निकालना है, तो इससे तेल हमारा जो आयल होता है वो निचुड़ जाता है। इस छाननी में हम निकाल के रख देते हैं। ये देखिए पूरा ब्राउन कर लिया है, अब पूरी क्रिस्पी हमारी ये काजू मठरी बनके तैयार है और पूरी खस्ता है। उसके साथ ही गरम गरम पे हम इसमें ऐड करते हैं चाट मसाला। चनकी चाट मसाला जो आता है MDH का, इसको ऊपर से डाल देने से ये बहुत चटपटा काजू मठरी बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो इस तरह काजू मठरी आप अपने घर में या आपके पास सोप हो तैयार कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल खस्ता है, इसको हाथों से मैश कर दीजिए, बिल्कुल बारीक हो जाता है। ये देखिए, तो इस तरह काजू मठरी हमारा बनके तैयार है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पे हर एक छेने की आइटम, नमकीन की आइटम, सब्जी की आइटम मौजूद है, आप देख सकते हो। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।